सहारनपुर में अंधविश्वास के कारण एक छात्रा के साथ मदरसे में मारपीट का मामला सामने आया है, जहां मदरसा संचालिका के बेटे और बहू ने मारपीट करते हुए छात्रा का खाना पीना बंद कर दिया। बताया जा रहा है कि छात्रा शामली की रहने वाली है। उसके परिवार वालों ने इस्लामिक तालीम के लिए देवबंद के एक मदरसे में पढ़ाई के लिए भेजा था, तभी पीड़ित छात्रा के साथ कुछ अजीब घटनाएं घटने लगी। इस दौरान मदरसा संचालिका और उसके बेटे बहू ने छात्रा को रस्सी से बांध दिया और उसके बाद छात्रा पर ठंडा पानी डालकर जमकर पिटाई की। जब मैं मगरिब की नमाज पढ़ के ऊपर गई थी, मुझे ऐसा लगा मुझे किसी ने धक्का सा दिया, मेरे गर्दन पे जोर से हुआ और मैं पेट में कोई गुदगुदी उठा रहा तो मैं हंसने लगी। इतने में सब बच्चे इकट्ठा हो गए। उसके बाद उन्होंने कहा तू ड्रामा कर रही। उन्होंने मेरे आते सर मुंह पे एकदम पूरी खिंचा के मारा अर्शी भाई ने। फिर रोही बाजी ने पकड़ा तो अर्शी भाई ने मारा। फिर अर्शी भाई ने पकड़ा तो रोही बाजी ने मारा। फिर जिनका मदरसा कुर्सी दापा उनके पास फोन करा तो हेड को यूं करी तू बीमारी से। और रात से खाना पीना सब बंद। जब मैं चिल्लाने लगी तो टेक का ठंडा ठंडा पानी गिर गिर के मारा। लड़की ने छुप के फोन करा। अच्छा, क्या बताया उसने? उसने ही कहा था कि लड़की बहुत सीरियस है, न तो ये खाने को दे रहे, न मार के रखी, बहुत मुंदी घेर घेर के उन्होंने कहती मुँह में कपड़ा बांध के तो न रुक के तारे मुँह में कपड़ा बांध के बाल खींच दिए। क्यों क्यों इन्हू कह इस पे तो ऊपर आ रहा, हम तो ऊपर को कब चला करते थे। कौन सा मदरसा है? मदरसा कौन सा? जामिया इस्लामिया। जामिया इस्लामिया। वहीं मदरसा संचालिका ने आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए कहा कि छात्रा पर जिन्नात का साया है, जिस वजह से छात्रा आए दिन मदरसे में हंगामा करती है। जी। ये लड़की मुस्कान शकील की शामली से रुबीना की माँ का नाम है। 4-5 महीने पहले मेरे यहाँ दाखिला हुआ था। मुझे ये नहीं पता था कि इसके ऊपर जिन्नात है या श्राद्ध है या नहीं, तो मैंने रख ली इसको। ये सही रही, सही रहती रही बिल्कुल। लेकिन इसकी अम्मी की एक आदत थी कि किसी को भी भेज दिया करती थी, चाहे वो कोई उनका रिश्तेदार हो महल्ले का, और कहती थी एक दिन के लिए इसको वहाँ भेज दो। इन्होंने 10 दिन पहले भी बुलाया। इसके साथ अब क्या हुआ है? सुनो मेरी बात सुनो, 10 दिन पहले बुलाया किसी को, उसके साथ वो क्लियर गई। फिर 3 दिन में ये वहाँ से आई। आने के बाद में फिर इसने अब 10 दिन के बाद में रात इस पर जिन्नात आ गए। और जिन्नात ऐसे आए कि इसने हमारी तमाम लड़कियों को गिलास मार के कप तोड़ दिए, गिलास मार दिए, बच्चों के फेंक फेंक के मारी सारी चीज़ें, खूब झूल रही, पाल खोल रखे, बेहोश होके गिर रही। हमने पानी डाला इसके ऊपर, जब बेहोश होगा तो पानी तो डालेंगे, पढ़ पढ़ के इसको तंग किया। तो ये गाड़ी हट जाओ मेरे पास से, हट जाओ मेरे पास से, जब किसी तरह ना माननी मारती रही सबको। और इन्होंने पूरा हंगामा किया तो मेरी बहू ने इसके 2-3 धपट मार दिए। अरे कहा कि तू सही नहीं होने की, क्या कर रही है, तुझे कुछ भी नहीं आता, नाटक कर रही इस तरह से। फिर वो एकदम सही हो गई और फिर वो मेरी बहू के साथ में नीचे। इसके माँ बाप को इत्तला दी थी आपने? हाँ, उसकी माँ को जब इत्तला कर दी थी रात ही, उन्होंने कहा था मैं सुबह को आऊंगी। SSP का कहना है कि छात्रा के परिजनों ने मदरसा संचालिका के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। देवबंद में किसी एक निजी मदरसा में हॉस्टल में रहते हुए एक लड़की पढ़ती थी और आज उनके मदर फादर देवबंद थाने में उपस्थित होकर एक एप्लीकेशन उस मदरसा संचालक के खिलाफ दिए हैं कि लड़की जो मदरसा जाने से मना किया उसको बांध के पीटे हैं और शायद जूते उते से भी पीटे हैं, इस तरह से शिकायत आई है। तो इसके आधार पर पुलिस मुकदमा दर्ज किया है, उनका मेडिकल कराया गया है लड़की को और गुण दोष के आधार पर इसका कार्रवाई की जाएगी। ठीक। फिलहाल पुलिस ने तो मामले में छानबीन शुरू कर दी है, लेकिन छात्रा के साथ हुए इस बर्ताव से परिजनों में काफी गुस्सा है। अब देखना यह होगा कि पुलिस मामले में क्या कार्रवाई करती है। सहारनपुर से रामकुमार पुंडीर की रिपोर्ट।